राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गणेश जी की कथा। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल में हमेशा खुशियां रहती हैं। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। आज हम आपको भगवान गणेश की सुहाग की लंबी आयु देने वाली और अमर पीहर देने वाली कथा सुनाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख कर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी महाराज, हे गजानन जी, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के रास्ते में झाड़ियाँ और कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में झाड़ियाँ जो गिरी हुई हैं उनमें कांटे हैं और मेरे पाँवों में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा, यानी उसके भाई से कहा कि उस रास्ते को आप साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तभी कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब उसके भाई को ले तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कह रही थी, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन को आने दो, वह आने वाली है। वह तो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। वह तो अपने भाई का मुंह देखे बिना एक निवाला भी नहीं खा सकती। उसका तो यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए उस रास्ते से निकली। जब वह जंगल के उस रास्ते से निकली तो उसने देखा कि उस जंगल का रास्ता साफ हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को भी वहाँ से हट गए हैं या हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रख कर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गजानन जी, हे भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान गणेश तब सोचने लगे, अगर इसकी प्रार्थना मैंने नहीं सुनी तो हमें तो कोई मानेगा ही नहीं, कौन हमें पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की 7 पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी, भाई की लाश रखी थी। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मैं तो आज बहुत गहरी नींद आ गई, बहुत सोया हूँ।
तब बहन बोली, यह नींद नहीं, ऐसी नींद तो भाई किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। इसको बुधवार के दिन जरूर सुनना चाहिए। इसके सुनने से भाई की लंबी उम्र होती है, पति की लंबी उम्र होती है। विघ्नकर्ता श्री गणेश जी महाराज सारे विघ्नों को हर लेते हैं और सारी मनोकामना पूरी करते हैं। राधे राधे दोस्तों।